Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you are watching Beat Blaster. So, song आया emotional बंदा रंजीत बाबा भाई दा. बहुत दिनों के बाद हम रंजीत बाबा. Lyrics. हाँ, बहुत दिनों बाद. मैंने पहले शुरुआत की ना आपने कैसे बोल दी पहले. So हमने भूल गया मैं. बहुत दिनों के बाद. बहुत दिनों के बाद हम रंजीत बाबा को गाना सुन रहे हैं, इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. सो होप सो कि बहुत अच्छा हो. और लवली नूर के लिरिक्स तो अच्छा तो वैसे होते ही, उनके लिरिक्स बाकी सुनते हैं. सो करते हैं फिर प्ले, करते हैं बाकी बातें डिस्कस. यस, इमोशनल सॉन्ग होगा ये लग रहा है नाम से. बाकी पता नहीं करते प्ले. और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गो एंड चेक आउट. इनके चैनल पे आया जिथे पैसा मिले ओथे पूछ फेरी. इमोशनल बंदा मरदा यार. जट बैठ के हमारे बीच रोया, वैसी कंपोजिशन लगी ना. ये मैंने एक पिछले गाने में भी कही है किसी में बात. वो भी गाना ऐसा था. कौन सा गाना था वो? कोई गाना है ना उसमें तेरे को ये चीज लगी तो इसका मतलब है ये चीज. फिर ना गाइस आपको भी लगी ऐसी कॉम्बिनेशन कंपोजिशन? सॉरी, जट बैठ के हमारे बीच कल ऐथे कदे ओथे ट्रांसमीटर आ जे लोकी कल ऐथे कदे ओथे ट्रांसमीटर आ जे लोकी जिथे पैसा मिले ओथे पूछ फेरी. इमोशनल बंदा मरदा रंजीत बाबा ही है ना, क्योंकि उनके हाथ में घड़ी ऐसी दिखी. लेकिन फिर भी मूसे वाले का ही है ये, ऐसे किसी को मिल गया. क्योंकि काम करते बंदे नु गोली और इमोशनल बंदे के साथ जिंदगी. क्योंकि इमोशनल बंदा होता है ना, वो सभी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और सभी में घुल मिल जाता है. तो इस करके आजकल जमाना ये है कि आप अपना अपना करो, दूसरे का भी हेल्प करो, लेकिन किसी को अपना सब. पर एक जमाने की रियलिटी यही है कि अपना देख के चलो, सही बात ही है. पर एक इमोशनल बंदा होता है जो अंदर से सही बंदा होता है ना, वो हमेशा सोचेगा मैं दूसरे का भी साथ में करूं. उस चक्कर में करने में वो बस दिमाग में नहीं आ रही ये चीज है तो आ भी रही है, पर मेरे को लग रहा है कि शायद मैं वो चीज गलत ना बोल दूं. खैर आगे देखते हैं. ओही कर गया गदारी रात काली बोली चढ़ गई हनेरी. इमोशनल बंदा मरदा बंदा
मुंडा फौजी दा बैसो चे रब मना के ना मना बावा मिट्टी दा मिट्टी दी हो जू ढेरी इमोशनल बंदा मरदा क्या लिरिक्स बंदे आदी उम्र बथेरी इमोशनल बंदा मरदा लुच्चे बंदे आदी उम्र बथेरी इमोशनल बंदा मरदा सही सा ट्रिब्यूट कह सकते हैं हम इसको। यस और मैंने पहले ही कहा था कि जो भी ये गाना लिखते हैं ना लवली नूर उनके ना वो लिखते बहुत अच्छा है। हर एक गाने में मैंने किया है रिएक्शन हर एक मेरे मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हमने लवली नूर के गानों के रिएक्शन करा है रंजीत बाबा भाई के करते फिर रंजीत बाबा ही हैं। हां और एक और सिंगर हैं विरासत संधू भाई शायद तो उन्होंने भी करे उन्होंने इनके करे लवली नूर के करे हमने करते हैं तो काफी मतलब अमेजिंग से डीप से लिरिक्स होते हैं ऐसे गाने मीनिंगफुल लिरिक्स हम कह सकते हैं गाना मतलब इनका ना कोई भी गाना ऐसा नहीं जिसका कोई मतलब ना हो ऐसा आजकल पता भी गाने सुन रहे बहुत अब ये गाना है इन्होंने बीच में भी कही है कि मेरी ये बात सच है आपको बहुत चुभेगी बिल्कुल सच बात है भाई कि जो दूसरे बंदे होते हैं मेन बात कही है कि इमोशनल बंदा हमें जो है वो हमेशा मर ही जाता है मरता है वो हमेशा वो मैंने रीजन आपको बताया और दूसरे बंदों की बात करी है तो वो दोगले टाइप के बंदे होते हैं जिन्होंने कुछ कहना करना कुछ जिन्होंने मतलब मेन अपनी सेफ्टी करनी है ना किसी की पीठ पे कुछ कहना किसी की पीठ पे कुछ कहना लेकिन जो इमोशनल बंदा होएगा जो दिल से साफ बंदा होएगा वो सच्ची ही बोलेगा हमेशा और एक तरफ ही चलता रहेगा लेकिन जो मतलब दोगले बंदे होते हैं ना लुच्चे टाइप के बंदे होते हैं जैसे ये बता रहे हैं तो वो हमेशा ये देखेगा मैं सेफ रहूं मेरे को कहाँ फायदा है मेरे लिए क्या चीज बेटर है दूसरा बंदा मरता है मरे अपने मेरे को पहले पॉजिटिव चाहिए मैं होना चाहिए पहले सेफ बाकी वो चीजें बहुत सही गाना बहुत सही चीजें इनमें कही है ना कि मिट्टी का बाबा अपने आप को कहते हैं ना कि मिट्टी का बाबा मिट्टी ची मिलके रह जाऊंगा ये बात भी है कि मिट्टी से पैदा हुए हैं तो मिट्टी में मिलेंगे आखिर में जाके बस ये कि जितना कर्म हो सकता है सही करके जाओ कि जान दे बात दुनिया याद रखे जिदा सिद्धू मूसे वाले भाई नूर खरी है ना कि बेशक बंदा चला गया लेकिन उसका ना तो जो उन्हें काम किए हैं जिदा का हो सी बिहेवियर है ना वो हमेशा हमारे ही रहेगा क्योंकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी हम भी बताएंगे कि यार हमारे टाइम पे सिद्धू मूसे वाला होता था ये है सॉन्ग सुन के देखो एक बार तो मेरे ख्याल से ये सॉन्ग एवरग्रीन रहेंगे पुराने तो होंगे नहीं और इनके अगर और सॉन्ग्स होंगे हम वो भी सुनते रहेंगे पहले सुनते थे लेकिन कुछ टाइम से हम बंद कर रहे थे पंजाबी म्यूजिक को लेकिन हम फिर से सोच रहे हैं कि दोबारा सुने तो बस यही था व्लॉग्स देखो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।